स्वागत है फिर से एक नई सुबह में आप सब लोगों का। सुबह के 8 बजे का टाइम है। ये मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा था तो सोचा मैंने चलो वीडियो की शुरुआत कर देती हूँ, क्योंकि आजकल ना चौकीदारी में बहुत ज़्यादा बिजी है सब लोग, तो फिर ज़्यादा वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है। सुबह उठ के बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, उठ के फ़ोन पकड़ना अच्छा नहीं लगता, बट टाइम नहीं लगता काम करते हो। इसके मेरे जो स्टैंड था वो भी टूट चुका है, फिर इसको एडजस्ट करने में लग जाते 15-20 मिनट। उससे अच्छा कि फटाफट से अपना काम निपटाओ और फिर आपके पास बोलो हमने क्या क्या किया। दिखाना ज़रूरी नहीं है, अब आपको विश्वास हो चुका होगा कि मैं काम करती हूँ। दिखाना तब पड़ता है जब आपको लगे कि मैं काम नहीं करती हूँ, सिर्फ दिखाती हूँ। बट जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं काम करने वाली हूँ। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा लॉन साफ करूंगी, शायद वो दिखाऊंगी। वैसे घर में बहुत काम होते हैं, सबको पता है काम होते हैं, औरतों को तो 100 काम होते हैं, अंदर भी बाहर भी। जिस औरत को तो थोड़ा सा बाहर भी जाना पड़े ना काम करने, उसके पास तो कुछ ज़्यादा ही काम होते हैं। फिर वो क्यों, वो इसलिए उसको सुबह जल्दी उठ के करने पड़ते हैं ताकि वो बाहर कमाने जा सके। तो चलिए फिर दिखाती हूँ मैं अब लॉन साफ़ करने को आए। बहुत टाइम हो गया है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, घास बहुत उग चुकी है और फिर मैंने वो करके भी नहीं किया। मैंने सोचा पहले उगने देती हूँ अच्छे से सारे में, फिर करती हूँ साफ़, ताकि फिर वो ज़्यादा टाइम साफ़ रहे। चलिए फिर दिखाती हूँ मैं लॉन अपना। स्वागत है आपका मेरे सेंटर से। क्योंकि मेरे पास न्यूट्रिशन ज़्यादा था प्री स्कूल के बच्चों का, तो मैं वो अब दूसरी आंगनवाड़ी के लिए शिफ्ट कर रही हूँ। शिफ्ट कर रही हूँ, पहले ऊपर ढोया अब और नीचे ढो, बस यही चलता रहता है हमारा ज़्यादा। तो क्योंकि प्री स्कूल के बच्चे है ही नहीं है तो कम है, तो फिर वो ख़राब हो जाता है। इससे अच्छा हम एक दूसरे की आंगनवाड़ी में बांटते हैं इस तरह से न्यूट्रिशन। अगर किसी के पास कोई एक चीज़ ज़्यादा हो फिर दूसरे के पास ना हो फिर वहाँ देते हैं, फिर अगर उनके मेरे पास नहीं है तो वहाँ से लाते हैं। इस तरह से करते हैं इधर उधर आदान प्रदान न्यूट्रिशन का, वही मैं आज करने जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास रखने की जगह नहीं है। और चलिए फिर कर देती हूँ गालियाँ रखने की, तो अभी ये खाली हो जाएगी क्योंकि मैं ये वाला सारा न्यूट्रिशन दे रही हूँ दूसरी आंगनवाड़ी को। तो चलिए फिर मम्मी के बड़े, आज मम्मी ने बड़े बनाए हैं स्पेशल और बहुत ही टेस्टी। छोटे में खा लिए मैंने भी, जीने देखे थे चार दूर खाए रे। लाम वाला चाय का गिलास भर भर के ते उन्हें खाए सुधीर है रोन दे तुम्हें जान के। आज हम ने नहीं आना था मम्मी के घर, मैंने ऐसे मम्मी को कॉल करी, मम्मी देख रहे थे यहाँ से नीचे को, तो मैंने ऐसे ही कॉल करी तो मम्मी ने बोला मैंने बड़े बनाए हैं तो ऊपर आ जाओ। फिर हम ऊपर आ गए, अब हमने बड़े कितने टेस्टी बड़े बनाए थे मम्मी ने, क्योंकि शिवरात्रि में मम्मी यहाँ नहीं थे तो लग रहा था कि मेरे बेटे ने शायद बड़े नहीं खाए होंगे, तो इसलिए मम्मी ने बनाए थे बड़े। ऐसे होता है माँ का दिल। और फिर हमें भी खिलाए टेस्टी बड़े, मैंने तो खैर 2 ही खाए छोटे छोटे, मन तो कर रहा था 4 लाए थे, 4ों खाऊं, बट थोड़ा सा फ्रेज करना पड़ेगा।
मुझे तो बड़े खाने के बाद अब जाना है हमें हॉस्पिटल चेकअप के लिए। रूटीन चेकअप चल रहा है आजकल। तो चलिए फिर अब ले चलते हैं, मम्मी भी हमारे साथ आने लगी है। मैं भी बोलते मैं भी करती हूँ चेक बीपी। मैंने बोला चलो हमने जाना तो है। फिर ये मेहता जी है, बड़े खाने आए थे सासू माँ के हाथ से ये भी, क्योंकि आजकल हम दोनों साथ चलते हैं जहाँ भी चलते हैं। ये है मम्मी। मम्मी पेटीकोट पर एको बांध दो सो मुँह काल की सो सो। मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता क्या बोलते इसको। चलिए फिर अब चलते हैं हॉस्पिटल। हाँ जी मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे और अभी छाँव में बैठी हूँ। थोड़ा काफ़ी पहले आ चुकी हूँ मैं और मुझे नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही है कि और बारी मैं थक जाती हूँ कि आज सुबह मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे मैं इतने ज़्यादा थक की हूँ। और दूसरा फिर जब मैं गाड़ी में जाती हूँ, चाहे बुट्टी से ही गई हूँ मैं, बुट्टी तक पैदल गई हूँ, वहाँ से गाड़ी में गई हूँ, तो फिर भी मुझे इतनी थकावट नहीं होती है। जब मैं यहाँ से वहाँ तक पैदल जाती हूँ आती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। और इसने ठानी है कि ये बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि हफ्ता हो गया है। ये पता नहीं 4 बार तो इसने कोशिश कर दी आने की बट नहीं आ रहा। अब क्या करूँ, मैं भी बैठी थी इंतज़ार में, मतलब बारिश आएगी तो मुझे पानी नहीं डालना पड़ेगा, बट ये गरज रहे हैं बादल। मुझे लगता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ पानी डालने अपने पौधों में, क्योंकि उतनी देर तो अंधेरा हो जाएगा। फिर पानी शाम को डालना पड़ता है, सुबह भी सारे दिन भर फिर धूप आती है तो फिर वो पानी का कोई मतलब नहीं बनता। अब क्या ही बताऊँ मैं, मुझे लगता है जब मैं पानी डाल के फ्री होंगी उसके बाद ही आएगी बारिश, बट अब मैं रुक नहीं सकती, मुझे तो पानी डालना ही पड़ेगा। मैं अब भगवान के भरोसे पे नहीं रह सकती क्योंकि 2-3 दिनों के रिकॉर्ड, आज तो 2-3 कलमों में पत्ते निकल गए हैं और मेरी उम्मीद जागते हुए, हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, उड़ने पड़ेंगे भाई, ये उड़ने लगी है घास जो घास डाली थी, ओहो तो उसमें पत्थर डालने पड़ेंगे। चलो करती हूँ अब काम, बंद करके करना पड़ेगा। ये मेरी छोटी सी कुटिया दिख रही है पीछे, 5 बजे से स्टार्ट कर दिया मैंने पानी डालना तो अभी तक मैं आधे में ही डाल पाई। और मैं सोचा चलो बता देती हूँ आपको, आपको इंतज़ार रहेगा मैंने कितना पानी डाला। तो मुझे 7 नहीं 7:30 बज जाएंगे शायद, अंधेरा हो जाएगा पानी डालते डालते। मैं सोचा आसमान से आता है, आसमान में भी बादल तो है यहाँ पे, देखिए बिल्कुल ऐसे लगता है अभी बरसेंगे अभी बरसेंगे, बट ये भी नहीं बरस रहे, तो फिर क्या करें, ढाल के करना पड़ेगा। ठीक है डिनर तो दीदी ने बना देना है, फिर मुझे करना भी क्या है, मोबाइल में फंसे रहना है फिर शाम को। ये यहाँ पे जब मैं इसमें इसको टच कर रही हूँ ना तो यहाँ पे लग रहा है जैसे कि है इसमें अंदर कुछ तो है इसमें, इधर को नहीं, जहाँ ऐसे वहाँ ऐसे गिर रहे हैं और जहाँ ऐसे वहाँ देखो ये दाना दिख रहा है। कहाँ है यार ये देखो इतने इतने हो गए हैं प्लम जो चल रहे हैं, पतली पतली है शायद फसल। एक यहाँ पे और ये क्या है, क्या ये ब्लैक कैम्बर है, वैसे रेड ब्यूट में तो इस बार कम है बट ब्लैक कैम्बर में शायद, इसमें हर साल होती है ब्लैक कैम्बर की, एक ये खासियत है इसमें हर साल फसल लगती है, और रेड ब्यूट तीसरी साल। ये पूरे 2 घंटे लगाए मैंने पानी डालने में और मैं घर पहुंच गई हूँ, बट जो शू पौरने गए हैं वो अभी तक नहीं आए। शू आज रात को भी लगे हैं शायद, मुझे ऐसे लगता है क्योंकि चौकीदार अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, तो आजकल तोते रात को भी लगे हैं, या ऐसे होगा जब तक उजाला तब तक चौकीदारी, उसके बाद पार्टी चल रही होगी। चलिए मुझे क्या, मैं तो डिनर करके आ गई हूँ। मैंने आते ही खेत से हाथ पांव धोए,
आज तो मुंह भी धो लिया, करती हूँ कुछ। और इसी के साथ इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर दूंगी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।